नमस्कार, मैं डॉक्टर मंशु भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र नामक के नाटककार द्वारा रचित काला पत्थर नाटक का सारांश जानेंगे। काला पत्थर आधुनिक नाटक है। काला पत्थर को यथार्थवाद नाटक भी हम लोग कह सकते हैं, कारण उसमें दर्शाए गए सहज चित्रण। नाटक समस्या प्रधान नाटक है। नाटक में सिर्फ एक समस्या के ऊपर नहीं बल्कि समाज में हो रहे कई सारे ज्वलंत समस्याओं का सहज चित्रण हम लोग पा सकते हैं, जैसे कि बाल विवाह, अनमेल विवाह, जमींदारी प्रथा, गरीब किसान पर शोषण, अंतरजातीय विवाह की समस्या, प्रेम विवाह की समस्या, रूढ़ी संप्रदायों का फायदा उठाना, दहेज प्रथा, रिश्वत जैसे भ्रष्टाचार आदि। इसके साथ इन सब के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक युवा पीढ़ी का भी चित्रण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाटक में आने वाले पात्र ऐसे हैं: कल्लू सेठ महाजन, विमला कल्लू सेठ की पत्नी, संतोषी गरीब किसान, पुनिया संतोषी की बेटी, दुर्जन पुनिया का पति, प्रभात पुनिया का प्रेमी। नाटक में आने वाले गौण पात्र है पलटू किसान, सरपंच, पंच एक, पंच दो, पुलिस वाला, ग्रामवासी एक, ग्रामवासी दो, साधु, भिखारी, भिखारिन, युवक। इसके अलावा नट और नटी के साथ आने वाले गायक मंडली। कल्लू सेठ का मकान है। कल्लू सेठ दिखने में काला और मोटा है। कल्लू सेठ की पत्नी का नाम विमला है। कल्लू सेठ के लिए 6 बेटियां हैं। पहले तीनों का विवाह अनमेल होने के कारण तीनों भी विधवा होकर उनकर पड़ी हुई है। चौथी बेटी ससुराल के अत्याचारों को न सहती हुई आत्महत्या कर चुकी है। पांचवी बेटी किसी के साथ घर छोड़ के भाग गई है और छोटी लड़की अभी कुंवारी ही है। एक बार संतोषी नामक गरीब किसान कल्लू सेठ के वहां पे खर्ज लेने के लिए आता है। संतोषी पहली बार खर्ज लेने के लिए उसके पास नहीं आया हुआ है, बहुत बार उसके पास खर्ज लिया हुआ है। जितने भी बार वहां कर्ज लेने आता है हर बार उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना ही होता है, पर इस बार संतोषी खाली हाथ में कर्ज लेने के लिए आया हुआ है। तब गिरवी न रखने के कारण कल्लू सेठ उसे पैसे देने में मना कर देता है और संतोषी वहां से चला जाता है। संतोषी गरीब है, उसकी पत्नी बीमार पड़ी है। उसके इलाज के लिए वह कल्लू सेठ से आखिरी बार पैसे पूछने के लिए आया था, पर पैसे न मिलने के कारण संतोषी की पत्नी मर जाती है। संतोषी बहुत बार कल्लू सेठ के वहां से कर्ज लिया है। बेटी की विदा के लिए भी उसने कर्ज लिया था। संतोषी के सारे जायदाद, जमीन, बर्तन, पैसा, सोना चांदी सब कुछ कल्लू सेठ के वहां पे गिरवी पड़ा हुआ है। पुनिया की शादी 5 साल में हो चुकी होती है। पुनिया जब 15 साल की होती है उसको ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है। पुनिया ससुराल में खुश नहीं है, कारण उसका पति दुर्जन नाम से ही नहीं काम से ही वह दुर्जन ही है। दुर्जन काम काज कुछ नहीं करता है, वह एक शराबी है। ससुराल से मिले जितने भी पैसा है, सोना चांदी बर्तन सब कुछ उसने अपने शराब में लुटा दिया है। पति दुर्जन अपने शराबी दोस्तों के बातों में आकर पुनिया को उनके साथ अव्यवहार करने के लिए जबरदस्ती करता है। तब पुनिया वहां से भागकर अपने मायके में आ जाती है और संतोषी के साथ रहना शुरू कर लेती है। कल्लू सेठ का मानना है कि कल्लू सेठ के मरने के बाद उसके पितरों को पिंड प्रदान करने के लिए लड़कों का संतान चाहिए, इसी कारण वह और एक दूसरा विवाह करके बेटे को जन्म देना चाहता है। कल्लू सेठ बहुत ही बेरहम इंसान है। उसके सारे दुर्व्यवहार का साक्षी बनकर विमला उसके साथ जीवन यापन कर रही है। जब भी वह उसके खिलाफ बात करती है या आवाज उठाती है, मार के अलावा उसे प्राप्त कुछ नहीं होता है। सेठ सिर्फ संतोषी के साथ ही नहीं, दूसरे किसानों के साथ भी इसी जैसे दुर्व्यवहार करता है। विमला का मानना यह है कि उसके घर में जितने भी दुर्घटनाएं घटी हुई है इन सबका कारण किसानों का शाप है। वो दुर्घटनाएं है कि तीनों बेटियां विधवा होकर उसके घर में ही है और उनके दहेज के लिए
जो रखा गया पैसों को वो नहीं दिया और उन लोगों को अनमेल विवाह करके उस दहेज पैसे को बचा के रखा था और उन पैसों को लुटेरे लूट के ले गए और उसी सिलसिले में उसका एक हांक भी चला गया था। और एक बेटी अत्याचार न सहती हुई आत्महत्या भी कर ली है और एक लड़की भाग गई है, छोटी वाली अभी कुंवारी ही है। इन सब का कारण दूसरों का शाप ही वह समझती है और इन दुर्व्यवहारों को कम करके एक अच्छा धंधा करने के लिए वह अपने पति को समझाने का प्रयास करती है। विमला कल्लू सेठ से कहती है कि गरीबों का खून चूस रहे हो, यही दोष है। ईमानदारी से धंधा करो, नमक को बराबर खाओ, शक्कर की बराबर क्यों खाते हो? डायबिटीज हो गई है फिर भी छेद नहीं हुए हो। तो कल्लू सेठ को डायबिटीज रोग भी आ गया है फिर भी वह छेद नहीं हो रहा है, तो इसी जैसे अव्यवहार आगे भी करता जाएगा तो उसका दुष्परिणाम ही उसको झेलना पड़ेगा, ऐसा वह समझाने के लिए जाती है। तब कल्लू सेठ उसके खिलाफ मारने को तैयार हो जाता है। सेठ के वहां सरपंच का प्रवेश होता है। सरपंच भी सेठ से कुछ पैसे पूछने के लिए आया हुआ है। तब सेठ सरपंच से अपने दूसरी शादी का प्रस्ताव करता है और वहां समझाने का प्रयास करता है कि उसको दूसरे विवाह की आवश्यकता क्या है। कल्लू सेठ की आवश्यकता को समझता हुआ सरपंच उसे सुझाव देता है कि दूसरा विवाह वह संतोषी की बेटी पुनिया से क्यों ना करे। पर कल्लू सेठ प्रश्न करता है कि पुनिया तो युवती है और वह दिखने में बहुत सुंदर है, क्या कल्लू सेठ से शादी करने के लिए तैयार होगी? तब सरपंच बोलता है कि वह तैयार नहीं होगी तो उसको मनाना पड़ेगा। कल्लू सेठ पूछता है कि कैसे मनाए। सरपंच कुछ उपाय देता है कि पुनिया पहले पति दुर्जन से तलाक लेने के लिए पंचायत में अर्जी डाल चुकी है और वहां अर्जी स्वीकार करके तलाक देने की जिम्मेदारी सरपंच को ही होगा, तो सरपंच ही पुनिया को दुर्जन से छुटकारा दिला सकता है। तो उसकी बातों को पुनिया जरूर मानेगी। और दूसरा अंश यह है कि अगर पुनिया कल्लू सेठ से विवाह करेगी तो संतोषी की सारे संपत्ति उसे लौटा दिया जाएगा। अपने पिता की संपत्ति को वापस लेने के लिए ही सही वह जरूर कल्लू सेठ से शादी करेगी। और तीसरा अंश यह है कि तलाक होने के बाद पुनिया किसी और से जरूर शादी करेगी। युवक तो उससे शादी करने के लिए नहीं आएंगे तो कल्लू सेठ से वह शादी कर सकती है। इन सारे कारणों को वजह बनाकर अगर पुनिया को मनाने का प्रयास करेंगे तो जरूर पुनिया मान लेगी, ऐसा सुझाव सरपंच कल्लू सेठ के लिए देता है। सरपंच का सुझाव कल्लू सेठ के लिए भी अच्छा लगता है। प्रभात पुनिया के गांव में रहने वाला सुशिक्षित युवक है। प्रभात और पुनिया बचपन से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। प्रभात को पता चला कि पुनिया की शादी उसके 5वें साल में ही हो चुकी है, तब वह अपने प्रेम प्रस्ताव करने में पीछे हट जाता है। पुनिया भी जैसे ही पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है तो वह प्रभात से अपना प्रेम प्रस्ताव नहीं करती है। पुनिया की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में खुश नहीं है, फिर से वह अपने पिता के घर आके रहना शुरू कर दी है। तब एक बार प्रभात से उसकी भेंट होती है। प्रभास और पुनिया के बीच में बातचीत होती है, दोनों के बीच में फिर से प्रेम अंकुरित होने लगता है। प्रभात पुनिया से दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है, पुनिया भी उसे स्वीकार करती है। प्रभात का कहना यह है कि शादी होने के बाद वह संतोषी को अपने घर में ही रखेगा और अपने पिता के जैसे उसका बाल करेगा और संतोषी के सारे खर्च को वह मेहनत से कमा के चुकाने के लिए भी तैयार है। प्रभात की बातों को पुनिया और संतोषी बहुत ही संतोष पूर्वक मान लेते हैं। पुनिया का पति दुर्जन पुनिया को तलाक देने में पीछे हट रहा है, कारण वह पुनिया को स्वतंत्र देना नहीं चाहता है, अपने चंगुल में रखना चाहता है। पर पुनिया उसकी बातों में ना आती हुई अपने अर्जी पंच में दे चुकी है। पुनिया का पति दुर्जन पुनिया को तलाक देना नहीं चाहता है, वह पंचों को रिश्वत देकर अर्जी को आगे बढ़ाना चाहता है। पर सरपंच कल्लू सेठ से रिश्वत ले लिया है और वह किसी भी हाल में पुनिया और दुर्जन का तलाक देना चाहता है। तो एक बार
पंचायत के सामने दो अर्जियां आती है, एक पुनिया और दुर्जन के तलाक की अर्जी, दूसरा संतोषी और कल्लू सेठ के कर्ज की अर्जी। सरपंच कल्लू सेठ से ज्यादा रिश्वत लेने के कारण वह दुर्जन और पुनिया का तलाक दिला देता है। कारण, पुनिया और कल्लू सेठ की शादी हो जाए। सेठ और सरपंच दोनों मिलकर एक जाल बिछाते हैं कि एक जोली में दो रंग का पत्थर डाला जाएगा, वो एक सफेद और एक काला रंग के पत्थर डालेंगे। अगर पुनिया सफेद रंग का पत्थर निकालेगी उस जोली से पहले, तो उसे बिना कुछ चुकाए अपने पिता की सारी संपत्ति वापस मिल जाएगी। अगर पुनिया बिना देखे काला पत्थर को ही पहले निकालेगी, तो उसे कल्लू सेठ से विवाह करने के बाद ही उसके पिताजी की संपत्ति वापस मिलेगी। पुनिया इसके लिए बिना मन के मंजूर हो जाती है, पर वह भगवान के नाम लेकर उस जोली में जो था पत्थर, उसको आंखें बंद करके उठाती है। पहला पत्थर जो उठाती है वह बिना देखे नीचे गिरा देती है। नीचे एक पत्थर गिरने के बाद सेठ और सरपंच बोलते हैं कि पुनिया ने गलती कर दिया, पर पुनिया बोलती है कि मैंने गलती नहीं किया, मैं कुछ जानती नहीं हूं, अनजाने में ऐसा हो गया। तो क्या हुआ, दूसरा पत्थर जो है झोले में वह बताएगा कि कौन से रंग का पत्थर पहले गिरा था। सरपंच और सेठ उसके लिए मंजूर नहीं है, कारण सरपंच ने दोनों पत्थर काले रंग का उसमें डाल दिया था। पर अभी ग्रामवासी और सारे लोग और युवक मंडली जो है वो लोग पुनिया के बातों को विश्वास करते हैं और मानते हैं कि पहला पत्थर कौन सा था वह झोले में जो बचा हुआ पत्थर है वही बता सकता है। तो ग्रामवासियों के सामने कल्लू सेठ और सरपंच को झुकना ही पड़ेगा। तो वे लोग दूसरे झोली में जो पड़ा था उसको, उस पत्थर को उठाने के लिए पुनिया से कहते हैं। तब पुनिया झोले में जो बचा हुआ पत्थर है उसको निकालती है। झोले में जो बचा हुआ पत्थर था वह काला निकलता है। ग्रामवासियों के सामने साबित होता है कि पहले जो गिरा हुआ पत्थर सफेद रंग था। तब न्याय के अनुसार सेठ और सरपंच दोनों के सम्मति से संतोषी को बिना कुछ चुकाए अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है और पुनिया को भी कल्लू सेठ से शादी नहीं करनी पड़ती है। सारे ग्रामवासियां संतोषी, प्रभात और पुनिया खुशी से नाचने लगते हैं। और यहाँ पे सरपंच और कल्लू सेठ अवमान से अपने घर विदा लेते हैं। यहाँ पे साबित होता है कि पुनिया सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, वह बुद्धि से ही होशियार है। यहीं पर काला पत्थर नाटक की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।